हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो चेक बॉक्स को लेकर के HTML में चेक बॉक्स की साइज इंक्रीज करनी हो कैसे करेंगे। देखिए, नॉर्मल चेक बॉक्स तो आप बना लेंगे। यहाँ पर नोटपैड को ओपन करता हूँ ताकि इस पर कोडिंग करके आपको बता सकूँ। तो यहाँ पर नोटपैड को ओपन किया है मैंने, और अब देखिए यहाँ पर एक हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो शुरुआत हमें HTML से ही करनी है, तो यहाँ पर क्या करना है, HTML सबसे पहले लिखना होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं टैग में HTML, ठीक है। HTML को लिखने के बाद हेड लिखते हैं, और यहाँ पर हमको यूज करना होगा CSS। तो यहाँ पे लगाएंगे स्टाइल टैग, इस तरीके से स्टाइल टैग लगाइएगा। और फिर यहाँ पर क्या देना है आपको, यहाँ पर देना है इनपुट। क्या देना है, इनपुट देना है, ठीक है। तो जैसे हम लिखते हैं वैसे इनपुट दे देंगे, नॉर्मली देंगे इनपुट, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट बना लेना, उसमें टाइप बताना है। टाइप इसका क्या है, तो टाइप है चेक बॉक्स। तो यहाँ पे डबल एटेड कोर्ट्स में लिखिएगा चेक बॉक्स, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, ये गलत ना होने पाए, ठीक है। तो ये चेक बॉक्स हो गया, अब इसको बंद कर देना है। अब क्या करना है, बंद करके यहाँ पर बंद करने के बाद कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लीजिएगा। कर्ली ब्रेसेस को ओपन करने के बाद एंटर करिएगा। जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ ट्रांसफॉर्म करवाना है, ट्रांसफॉर्म इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करवाइएगा। और फिर यहाँ पे लिखिएगा स्केल, SCALE, ठीक है। इस तरीके से स्केल लिख दीजिएगा, और ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा, स्मॉल ब्रैकेट को। और यहाँ पर क्या करता हूँ, 1.5 रखता हूँ मैं, ठीक है। और 1.5 रख के इसको टर्मिनेशन देना है, टर्मिनेट करना, यानी सेमी कॉलन लगाना, कॉलन नहीं बल्कि सेमी कॉलन लगाना, ये हमारा काम हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, स्टाइल टैग को क्लोज करना है, जो ओपन किया था उसको क्लोज कर दीजिए इस तरीके से। ये क्लोज हो गया, एंटर करके नीचे आइए, हेड को क्लोज कीजिए। देन यहाँ पर क्या करना है आपको, बॉडी टैग को ओपन कर लेना है। ये बॉडी टैग ओपन हो गया, अब क्या करना है, अब इनपुट टाइप लगाते हैं। जिस तरीके से नॉर्मली हम लगाते हैं इनपुट टाइप, वैसे नॉर्मल तरीके से लिखना है, इज इक्वल टू चेक बॉक्स, CHECKBOX, चेक बॉक्स। और चूंकि ये चेक बॉक्स ही है तो हम यहाँ पर डबल एटेड कोट्स को क्लोज करके लिख देते हैं चेक बॉक्स। तो ये लिख दिया चेक बॉक्स, ठीक है। और चेक बॉक्स लिखने के बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें लेबल, यहाँ पे लेबल देना होगा, तो लेबल दे देते हैं यहाँ पे, बॉडी के ठीक पहले लेबल रहता है, तो यहाँ पे लेबल लगा देते हैं, LABEL लेबल, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पर अब इसको क्लोज भी कर देंगे, यहाँ पर आकर के लेबल को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि इनपुट टाइप तो क्लोज होता ही नहीं है, लेकिन लेबल क्लोज होता है, तो लेबल को क्लोज कर देंगे। और क्लोज करके क्या करेंगे, जैसे ही लेबल क्लोज होगा हमारा, बॉडी और HTML को भी क्लोज कर देंगे, हमारा कोड पूरा हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी छोटी सी कोडिंग है, अब इसमें दिखाता हूँ आपको कैसे कमाल होगा। देखिए, यहाँ पर HTML कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, और यहाँ पे कंट्रोल एस करके इसको सेव करेंगे। तो डेस्कटॉप पे करता हूँ ताकि सीधे तौर पे ये दिखाई देगा हमें, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप पे ही सेव करना है इसको, और यहाँ पर इसको एक नाम दे देता हूँ, CHE.STM या .STML भी दे सकते हैं। और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए, बस इतना काम आपको करना है। ये आ गया है, डबल क्लिक करेंगे, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे, ओपन होगा, तो ये देख सकते हैं ये चेकबॉक्स बना हुआ है, और चेकबॉक्स की साइज भी काफी बड़ी आपको दिखाई पड़ रही होगी। दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए चेकबॉक्स की साइज नॉर्मल से ज्यादा है कि नहीं। अब देखिए इसकी साइज और बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, वापस अपने कोड में जाएंगे, यहाँ पर 1.5 किया है, अगर मैं 1.8 कर देता हूँ तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये भी देखने वाली बात है। तो यहाँ पर आकर के दोबारा से इसको रन करवा देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये साइज थोड़ी सी और इंक्रीज हो गई है 1.8 करने से। चलिए और साइज को इंक्रीज करके देखते हैं कि इंक्रीज होता है या नहीं होता है। तो ये जो 1.8 है ना, इसको 3 कर देते हैं, 3 सीधा 3.0 कर देते हैं। अब इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस करके, और सेव करने के बाद अब इसको चलाने की बारी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये काफी ज्यादा साइज इंक्रीज हो गई है, देखिए ना, ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से आपको साइज अगर इंक्रीज करनी हो चेकबॉक्स की तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अन्य चेकबॉक्स इसके अलावा भी बनाने हो तब आपको और कुछ नहीं करना है, सिंपली इसी को उठाइए यहाँ से। अब चूंकि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जैसे लिख देता हूँ यहाँ पे, चलिए पाइथन लिख देता हूँ, पाइथन हो गया, ये PYTHON पाइथन, ठीक है। अब यहाँ से BR लगा देता हूँ, BR ब्रेक टैग, ये ब्रेक टैग लगा दिया, तो ये अब हो गया। अब यहाँ से इसको कॉपी करना है, ठीक है। अब ये पूरा हिस्सा कॉपी करना है, ये लेबल, लेबल वाला, ठीक है। और ये कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट करना है, ज़्यादा इसमें डिफरेंस दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो बार कर देते हैं एक ही साथ, ये हो गया। अब देखिए इसी का आउटपुट कैसा आएगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग सेपरेट सेपरेट शो कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।